Let's learn and earn from your home. Learning with earning. Then P का हो गया कि आपने प्रिपेयर कर लिया, उसको लिख लिया, लिखना स्टार्ट कर लिया, मतलब उस तरह से लिखा नहीं है, देन आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे. अब आपने अपने आइडियाज को, अगर आपको कोई मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने आइडियाज को लिख दिया है, मैं आपको आगे एग्जांपल भी देती हूँ किस तरह से होगा, और उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज करना है उसे कि कैसे आपने ऑर्गेनाइज करना है, मतलब आपने उस चीज को इस तरह का बनाना है कि जैसे अब आपने इस स्टेज पे आके आपने उसको ये चीज डिसाइड करनी है कि आपने कौन सी चीज पहले रखनी है, कौन सी चीज बाद में रखनी है. अब रीजंस क्या है ऑर्गेनाइज करने के अपने आइडियाज को, कि आपकी जो भी आपने लिखा है वो लॉजिकल लिखा जाए, कि आपने बिल्कुल मतलब यूं नहीं लिखा पहले की चीज बाद में, बाद की चीज पहले, तो इस तरह से नहीं करना. तो मैंने पहले भी बताया था कि 15 सेकंड होते हैं किसी भी बंदे के पास कि वो ये चीज डिसाइड करता है कि मुझे आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, सिर्फ 15 सेकंड लेता है वो, यानी कि स्टार्ट का जो भी पार्ट होगा, तो स्टार्ट का पार्ट बहुत मैटर करता है. आप पहले ही ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, लाइक आप पहले ही आप कहो कि मैं पहले ही ऑर्गेनाइज कर लूं और साथ ही मतलब आइडियाज आ रहे हैं मैं साथ साथ ऑर्गेनाइज करता जाऊं और मतलब आपने प्रिपेयर नहीं किया हुआ कुछ, ये चीज आपने नहीं करनी. आपने पहले उसको लिखना है इस तरह से, उसके बाद उसे अपने आइडियाज को अपने पेपर पे लिख लिया या अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख लिया है तो आपने आगे करना है काम. नहीं तो इस तरह आप करेंगे कि आप पहले की चीज बाद में, बात की चीज पहले, तो आप इस तरह नहीं लिख सकते. आपने पावर के फॉर्मूला को यूज करना है. अब एक आपने आउटलाइन यूज करनी है, लाइक आपने कोई भी आपको चीज लिखने को मिली हुई है, आपने उसकी एक आउटलाइन तैयार करनी है. जैसे आपने कहीं भी देखा होगा कि आपको जैसे हम पहले पहले पढ़ते होते थे कि आपने ऐसे लिखना, तो ऐसे कि हमें आउटलाइन दी जाती थी, हमें कहा जाता था कि इस पे ऐसे लिखो, तो वो आउटलाइन आपने असल में तैयार करनी है. और जब आप ये कर लोगे, मतलब ऑर्गेनाइज वाले लेवल पे आपने वो लिख लिया, उसे ऑर्गेनाइज भी कर लिया, तो आपके पास एक क्लियर स्ट्रक्चर आ जाएगा कि भाई मैंने ये काम जो है ये सही से करके अब लिखना है. अब आपका मतलब फोकस किन चीजों पे होगा, कि आपने अपने रीडर को, जो भी आपका रीडर, चाहे आपका बॉस है या आप किसी के लिए आर्टिकल लिख रहे हो या आपने प्रोडक्ट रिव्यू लिखा है, जो भी लिखा है, तो आपने अपने रीडर को गाइड कैसे करना है. अब आपने अपने आप को सोचना है कि आप एक टूर गाइड हो. अब आपको ये इस तरह से सोचना है, मतलब मैं हर तरह जब भी कोई भी बात किसी को सिखा रही होती हूँ तो यही बताती हूँ कि जो भी आप लिख रहे हो तो आपको अपने रीडर की तरह से सोचना है. लाइक आपको इस तरह से सोचना है कि जैसे आपने वो चीज लिखनी है और आपने ही पढ़नी है, और आप वो रीडर हो गए हो जिस तक आपने अपनी वो बात कन्वे करनी है, आपने उसकी तरह से सोचना है. तो आप सोचोगे कि क्या क्या चीजें मुझे चाहिए हो सकती हैं अगर मैं वो रीडर हूँ. तो आपको एक्चुअली करना क्या है कि आपको उस चीज को उस रीडर की तरह पढ़ना है, और फिर आपने सोचा कि भाई रीडर को पहले क्या पढ़ने को मिलना चाहिए, जो भी चीज है पहले क्या पढ़ने को मिलना चाहिए, और यहाँ से उसको कहाँ फिर आगे क्या चीज पढ़ने को मिलने चाहिए, और फिर एंड पे उसे क्या पढ़ने को मिलना चाहिए. तो ये सारी चीजें आपने एज अ रीडर सोच के लिखनी है, मतलब अपने माइंड में, या वो आउटलाइन तैयार करते हुए आपने ये कुछ करना है. सही. अब जैसे आपको एक लेटर, ये एक लेटर का वो है कि मुझे मतलब अगर मैं एक मीटिंग में हूँ और फिर उसके बाद मुझे मेरे बॉस ने पूछा है कि भाई ऐसा हुआ है कि आप मीटिंग का मुझे बताओ कि क्या हुआ है, मुझे उसकी डिटेल्स दो, तो मैंने उसे बताना है. सबसे पहले मैंने अभी ये सिर्फ आइडियाज जो हैं, क्योंकि छोटा पीस है, तो मैंने इसके लिए एक चीज लिख ली है कि भाई मैं जो हूँ कार्ला से मेरी मुलाकात हुई है, जो कि फलानी कंपनी से है, और उसने कहा है कि हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की है कि जो कॉन्ट्रैक्ट उसका हमारे साथ है वो उसको रिन्यू करवाना चाहती है. उसने कहा कि वो नेक्स्ट ईयर रिन्यू कराना चाहती है, लेकिन उसको डिस्काउंट भी चाहिए. उसने फिर ये एक और चीज मतलब बताई है कि वो हमारी कस्टमर सर्विस से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और मतलब वो किस लिए खुश नहीं है, वो इसलिए खुश नहीं है कि उसको एकदम से मतलब एक अर्जेंट कोई उसका क्वेश्चन था जो कि उसने करना था, लेकिन उसको वेट करना पड़ा 10 मिनट तक, हमें हमारी कस्टमर सपोर्ट की तरफ से उसको फौरन से रिप्लाई नहीं किया. सही. तो उसके बाद मैंने लिखा कि भाई मेरे माइंड में मेरी उससे बातचीत हुई है, तो उसने ये भी बताया कि मैं मालसा जा रही हूँ नेक्स्ट वीक, तो वो मतलब अगले महीने के एंड तक जो है वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और वो हमारे न्यू सॉफ्टवेयर में बिल्कुल इंटरेस्टेड है, वो चाहती है कि भाई ये हमें ये सॉफ्टवेयर दिया जाए.
वो उसको रिन्यू कर दे, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट को भी, ठीक है। और मैंने उसे फिर बताया कि यानी कि बॉस हैं आप हैं और मार्क कोई बंदा है जो आगे का डील करता है, मेरा जो डील करना था मेरा सिर्फ उससे मिलना था और उसे बातचीत करना है, अब आगे की चीज आप और मार्क कोई बंदा है उसने करनी है। तो मैंने उसे ये चीज बता दी है और उसको डिस्काउंट चाहिए और वो कह रही है कि वो बिल्कुल भी कॉल वगैरह नहीं ले सकती, तो आपसे बात करेगी और उसके बाद जो भी है, ठीक है। ये मैंने अब सारी बातें अपने पॉइंट से मेरे माइंड में थे मैंने ये लिख ली है।